ठीक ओके नहीं ज़रूरी नहीं है, बताता हूँ फिर से करो दूँगा। सबसे पहले तो आपको एक स्लिप मिली होगी आज यूज़र नेम पासवर्ड की, और ऑनलाइन टेस्ट मैंने अपलोड किया है ग्रेविटेशनल मोशन का पहला, जैसे एक ट्रायल टेस्ट है। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो रिसेप्शन से अपना यूज़र नेम पासवर्ड ले जाएं, तो साइट का नाम लिखा हुआ है इसमें www.physicsconcepts.in, उस पर ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन है, तो ऑनलाइन टेस्ट में जाएंगे, यूज़र नेम आप वो जी जो ईमेल बना के दिया है जो आपको स्लिप पे लिखा हुआ है ईमेल, पासवर्ड उस पर लिखा हुआ है, तो वो आप जो है उसे जब उसके एंटर करेंगे उसमें तो टेस्ट आएगा ग्रेविटेशन मोशन का। एक ट्रायल टेस्ट है ये, साइट बिल्कुल परफेक्ट चलती थी लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर हमने पूरी टेस्टिंग की। इस साल कुछ चेंजेस हुए, अभी पिछले एक महीने में दो चेंजेस हुए रादर उसके सॉफ्टवेयर में। एक ये चेंज हुआ कि उसमें हमने, क्योंकि नॉर्मली चार ऑप्शंस होती हैं, क्योंकि मेंस अब इंटीजर टाइप देने वाला है, तो उसमें 9 ऑप्शंस का हमने उसमें एडिशन करवाया। दूसरा ऑप्शन ये कि जो एडवांस टेस्ट होते थे उसमें सिंगल टाइप डाल पाता था क्योंकि सॉफ्टवेयर मल्टीपल नहीं उठाता था, तो अब जो है वो मल्टीपल टाइप भी उठाएगा, तो अब वो कुछ टेस्टिंग एडवांस सेक्शन के लिए भी हुआ करेगी, पहले जो कि नहीं हो पाती थी अब ऑनलाइन ही होगी। पहले हमें एंड में जब एडवांस टेस्ट चलते हैं उन लोगों के लिए जो उस तरफ जाना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू ही दे पाएंगे। अब क्योंकि वो कुछ चेंजेस हुए हैं सॉफ्टवेयर में, तो जब कोई ठीक ठाक चलती हुई चीज़ को हम चेंज करते हैं ना, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ चेंजेस या कोई एरर या कुछ रह जाता है। तो ये पहला टेस्ट है जिसको हम टेस्ट करेंगे। कल आप सुबह मॉर्निंग 10 बजे इसका टेस्ट दे सकते हो, 10 बजे दे दो, 9 बजे दे दो, 9 और 11 के बीच में 1 घंटा दे दो। 25 क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ओनली ग्रेविटेशन है। ये टेस्ट मेरे लिए एक फीडबैक होगा, या आपकी जो भी उसमें फीडबैक होगी आपको मुझे देनी है, तो मेरे को फीडबैक देनी है आगे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, ताकि उस प्रॉब्लम को हम ठीक करके बाकी टेस्ट उस हिसाब से अपलोड करेंगे। टेस्ट तो 50 हैं या 25 हैं, +2 के भी हैं, बहुत सारे हैं। मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक ही अपलोड किया है अभी, क्योंकि इतना एफर्ट कर बैठूँ और बाद में कोई चेंज करना पड़ जाए तो मेरे सारा एफर्ट खराब जाएगा। तो इसलिए आप जब टेस्ट देंगे, क्योंकि मैंने तो देखे देखा है मेरा तो ठीक ही चल पड़ा, पर यू नेवर नो जब बहुत सारे बच्चे देंगे तो क्या उसकी एफिशिएंसी आएगी। तो इसलिए कल 9 और 11 के बीच में 1 घंटा आप टेस्ट देते ना, जो भी कोई दिक्कत होगी रादर 10 बजे दे देना, 9 थोड़ा लिए, 10 से 12 के बीच में दे देना बेटर रहेगा। 1 घंटे का टेस्ट है, एक बार स्टार्ट हो गया वो फिर अपने आप ही बंद होगा, उसमें रीसेट का कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही उसको रोक के द्वारा दिया जा सकता है। एक बार जो खुल गया तो समझो वो खुल गया, वो खत्म हो गया, फिर उसके बाद वो सबमिट ही होगा, आप नहीं करोगे ऑटो सबमिट हो जाएगा, वो उसके सॉल्यूशन साथ के साथ आ जाएंगे, आपको पता लग ही जाएगा। ठीक, तो कल ट्रायल करेंगे उसका। यूजर नेम पासवर्ड मैंने आपको दे दिया, ठीक है, और अगर ये ठीक रहा तो फिर धीरे धीरे ये टेस्ट जो है वो ऑनलाइन के एक टाइम फिक्स करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट चलते जाएंगे साथ साथ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं विद आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लास्ट टाइम किया था शीट नंबर 110, शीट नंबर 110। देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जैसा कि इसने पूछा अभी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मतलब क्या, जरूरी है कि बॉडी फ्लोट करेगी करेगी? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि बॉडी फ्लोट करेगी। लोहे का एक स्फेयर है, एक लोहे का बॉल है, वो आपने लिक्विड में इमर्स कर दिया। अब ये तो कोई जरूरी नहीं कि वो तैरेगी तैरेगी, ठीक है, वो पानी में चली गई, तो पानी या लिक्विड इसके ऊपर क्या लगाएगा, अब थ्रस्ट। जो अब थ्रस्ट लगेगा लिक्विड का ऊपर की तरफ, उससे इसका वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, और कितना हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस क्या हो जाएगा जो है 2 न्यूटन, क्योंकि जो अपथ्रस्ट होता है वही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है। आपको याद रखना है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड अपथ्रस्ट इज वन एंड द सेम थिंग। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो इसीलिए हमने एक रूल बनाया, ये फ्लोटेशन प्रिंसिपल नहीं है आर्किमिडीज के, ये नहीं कहते कि बॉडी तैरेगी, ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी जब पानी में पूरी तरह चली गई उसका वेट कम हो जाएगा। कितना कम होगा, लॉस इन वेट क्या होगा,
जितना वो लीकवुड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, या फिर जितना उसके ऊपर क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा। ये तो पक्का याद रखना है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड अपथ्रस्ट इज वन एंड दी सेम थिंग, इनमें कोई फर्क नहीं। क्या स्टेप क्लियर है सबको यहां तक? अब इस और जो दूसरा प्रिंसिपल है आर्किमिडीज का, जो कि फ्लोटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, बॉडी कब फ्लोट करेगी, तैरेगी। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि बॉडी तैरेगी, फ्लोट करेगी। तो बॉडी अगर फ्लोट कर रही है, जिसका कुछ पोर्शन हवा में है, कुछ पानी में है, तो जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पोर्शन है, इस हिस्से ने पानी को डिस्प्लेस किया, जितना भी डिस्प्लेस किया, दैट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड अपथ्रस्ट इज अगेन वन एंड द सेम थिंग। याद रखना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और अपथ्रस्ट, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो अगर मैं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड निकालूं, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा? अगर टोटल वॉल्यूम वी है, ये हवा में वी डैश है, तो पानी में कितना है? वी माइनस वी डैश इनटू किसका वेट निकल रहा है, लिक्विड का, तो डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, इनटू जी। और यही क्या होता है हमारा अपथ्रस्ट। तो कोई कह रहा था ये वॉल्यूम कैसे, अगर मैं अपना हाथ जिसका वॉल्यूम 10 है पानी में डालता हूं, तो पानी का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम भी क्या रहेगा, 10 ही होगा। अगर मैं अपने हाथ का वॉल्यूम, अगर हाथ को डालता हूं पानी के अंदर, तो पानी का वॉल्यूम भी 10 ही डिस्प्लेस होगा, मेरी बॉडी मेरे पूरे वेट के इक्वल थोड़ी ना हो गया, वॉल्यूम के इक्वल थोड़ी ना होगा। तो इसीलिए अगर ये v माइनस v डैश है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज v माइनस v डैश, और क्योंकि वेट किसका निकल रहा है, लिक्विड का, तो जिसका वेट निकलता है उसी की डेंसिटी। तो वेट ऑफ लिक्विड क्लियर है, क्योंकि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास, मास इंटू जी क्या होता है, वेट। तो आर्किमिडीज का फ्लोटेशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर ये बॉडी तैरेगी, फ्लोट कर रही है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। अब होल वेट में होल वॉल्यूम बोलो कितना है, वी, किसका वेट निकल रहा है, बॉडी का, तो डेंसिटी किसकी, बॉडी की, इनटू जी। तो एक ही बात है कि जितना अप, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो अपथ्रस्ट है वो वेट ऑफ बॉडी के इक्वल है, क्योंकि अगर वेट ऑफ बॉडी 10 न्यूटन है, अपथ्रस्ट भी 10 न्यूटन है, तो बॉडी डूबेगी नहीं, बॉडी तैरेगी। क्या ये रूल समझ में आया? इसके बेस पे एक एग्जांपल भी किया हमने, एन आइसबर्ग इज फ्लोटिंग पार्शली इमर्स्ड इन अ सी वाटर, ठीक है, एक आइसबर्ग है और कुछ हिस्सा उसका पानी के अंदर है, सी वाटर में, और कुछ हवा में। तो आपको डेंसिटी सी वाटर की और आइस दोनों की गिवन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज अबव लेवल ऑफ द सी वाटर, कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम सी वाटर के ऊपर है। तो कितना वॉल्यूम इमेजिन कर लेते हैं पानी का, पानी के ऊपर है वी डैश, वी डैश डिवाइडेड बाई वी, यानी कि फ्रैक्शनल ऑफ वॉल्यूम जो हवा में है, ये मुझे निकालना है। क्योंकि बॉडी तैर रही है, फ्लोटेशन के प्रिंसिपल लगेंगे। फ्लोटेशन का प्रिंसिपल ये बोलता है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि किसका वेट निकल रहा है, लिक्विड का, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, इनटू जी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, होल वेट में वॉल्यूम, होल वॉल्यूम कितना है, वी, बॉडी का, बॉडी कौन है, आइस, तो डेंसिटी किसकी बॉडी में, आइस इनटू जी, ये वेट ऑफ बॉडी आएगा, वाटर नहीं है। तो यहां से जी कैंसिल, जी से जी कैंसिल करके ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आइस और सी वाटर की डेंसिटी पता है, सॉल्व करके वी डैश माइनस वी आ गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कितना हवा में कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। अब इसके बेस पे आप एक क्वेश्चन खुद ट्राई करें और देखें क्या आपको फ्लोटेशन प्रिंसिपल लगाना आया। तो क्वेश्चन ये है, आंसर दें, आपके पास एक क्यूब है, क्यूब है, क्यूब की जो डेंसिटी है वो रो है, क्यूब की जो लेंथ है, जो लेंथ ऑफ क्यूब है वो एल है, ठीक, हर तरफ से एल है, क्यूब है तो ऑब्वियसली लेंथ तो सेम ही होएगा हर साइड की। ये कुछ हिस्सा इसका पानी में सबमर्ज्ड है, लिक्विड में सबमर्ज्ड है, जो कि आप चेक कर सकते हो,
तो ये हिस्सा लिक्विड में सबमर्ज्ड है ऐसे। आपको ये बताना है कितनी हाइट लिक्विड के अंदर है, आपको हाइट की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एल, और आपको लिक्विड की डेंसिटी गिवन है टू रो, लिक्विड की डेंसिटी गिवन है टू टाइम्स रो। बोलो कितना आंसर L बाई टू, कितने लोगों का L बाई टू आ गया? ठीक है, उनको आर्गुमेंट्स आ गया L बाई टू, बिल्कुल सही है। देखो मैंने आपको बहुत एग्जांपल से समझाया, फिर समझते हैं। ये जो सबमर्ज पोर्शन है ये फ्लोट कर रहा है तो मानते हो? अच्छा, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ बॉडी। क्या ये स्टेप क्लियर है? ये मानते हो? अच्छा, ये बताओ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना है? क्या मैं बोलूं कि ये डूबता हुआ वॉल्यूम वही निकालना है ना? बोलो क्या होगा? L स्क्वायर इंटू एच। कितने लोग मानते हैं सही? देखो इसका बेस का एरिया कितना है? L का स्क्वायर। बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा उस पोर्शन का, और हमने सबमर्ज पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है तो सबमर्ज पोर्शन का वॉल्यूम क्या आएगा? L का स्क्वायर एरिया इंटू एच। कट आउट इसमें टोटल वॉल्यूम ही तो निकालते हो क्यूब का, L स्क्वायर इंटू L, L क्यूब। हमें तो सिर्फ h पोर्शन का चाहिए तो बेस तो l स्क्वायर है इनटू h। क्या स्टेप क्लियर है? वेट ऑफ सबमर्ज पोर्शन, ठीक है। तो वेट ऑफ ये वॉल्यूम है, सॉरी वॉल्यूम इनटू किसका वेट निकल रहा है? लिक्विड का। तो बोलो डेंसिटी किसकी? लिक्विड की इनटू g। तो क्या मैं यहां पुट करूं l स्क्वायर इनटू h इनटू 2 इनटू रो इनटू g मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। अब होल वेट में क्या होगा? होल वेट में टोटल वॉल्यूम, बोलो होल वेट का क्या है? एल का क्यूब,
वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितनी है बॉडी की, क्योंकि वेट किसका निकल रहा है, बॉडी का, तो डेंसिटी किसकी, बॉडी की, जिसका वेट है उसकी डेंसिटी इनटू जी। क्या स्टेप क्लियर है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही है, ठीक है। जी रो कैंसल, एल स्क्वायर से एल कैंसल, एच की वैल्यू सॉल्व कर लो कितनी आ गई, एल बाय टू। कोई डाउट इसमें? आर्किमिडीज लगाना आ रहा है कि कैसे आर्किमिडीज लगेगा? ठीक है, ठीक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक मिनट, अभी पहले इससे एक और क्वेश्चन पूछना है। अगर ये डेंसिटी लिक्विड की 3 रो होती तो एच कितना था? एच बाई थ्री, या 3 करके 3 आ जाता। 4 रो होती तो, यानी कि अगर लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से डबल है तो वो आधी पानी में रहेगी आधी हवा में रहेगी, यही है ना इसका मतलब? अगर लिक्विड की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से 3 गुना ज्यादा है, 3 रो, तो एच इज इक्वल टू एल बाई थ्री, क्योंकि पानी की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी अपथ्रस्ट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि अपथ्रस्ट में, अपथ्रस्ट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी किसकी यूज करते हैं, लिक्विड की, तो इसीलिए वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज अपथ्रस्ट। जितनी ज्यादा पानी की डेंसिटी होगी उतनी आराम से आप पानी में फ्लोट कर सकते हो, राइट? अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर मान लो पानी की डेंसिटी बॉडी से हाफ होती तो कितना पोर्शन पानी में होता? अगर पानी की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से हाफ होती, रो बाई टू, कितने लोग कहते हैं डूब जाती, बिल्कुल सही, डूब जाती, तैरेगी नहीं। मैं कह रहा हूं पानी की डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो अपथ्रस्ट ज्यादा लगेगा। अपथ्रस्ट किसको बैलेंस करता है? वेट ऑफ दी बॉडी को। अब वेट ऑफ दी बॉडी में डेंसिटी बॉडी की यूज करते हैं, अपथ्रस्ट में डेंसिटी पानी की यूज करते हैं, पानी की डेंसिटी कम होगी तो फिर वेट बढ़ जाएगा और बॉडी डूब जाएगी। इसीलिए कहा जाता है नीडल क्यों डूब जाती है पानी में जबकि बहुत हल्की होती है, क्योंकि नीडल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है। तो आज के बाद कोई भी चीज अगर आप बनाना चाहो कि आप चाहो कि वो तैरे, तो उस मटेरियल से बनाना जिसकी डेंसिटी पानी से क्या हो, कम हो। कम होगी तो उसे अपने आप अपथ्रस्ट मिलेगा, वो अपने आप ही ऊपर तैरेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अगर डूब जाएगी वो, 12 की होगी, डूबी गई, नीचे गिर जाएगी जहां बेस पे। ओके, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ओके, एक सिलेंडर है जिसका एरिया ए है, हाइट एच है, और एच की वैल्यू गिवन है एल बाई फोर, शेप चेंज की है मैंने क्यू की जगह, एल बाई फोर एरिया इसका ए है। जो लिक्विड की डेंसिटी है वो अगर रो एल है, बॉडी की डेंसिटी रो बी है, टोटल जो हाइट है सिलेंडर की वो कितनी है, एल है, तो बताओ डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी की रेशियो क्या होगी? ये क्वेश्चन है। बॉडी तैर रही है, फ्लोट कर रही है, तो अप्लाई फ्लोटिंग प्रिंसिपल।
देखो ये तो बात पक्की है कि क्योंकि बॉडी फ्लोट कर रही है तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, होल वेट ऑफ बॉडी। कोई डाउट इसमें? अच्छा बताओ वेट ऑफ लिक्विड निकालना है तो बोलो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या लिखेंगे, वॉल्यूम सिर्फ इतने पोर्शन का लेंगे, बोलो कितना, एरिया इंटू एल बाय फोर। क्या स्टेप क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इतना डिस्प्लेस होगा इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, तो ये क्या आ गया, वेट ऑफ लिक्विड, क्योंकि लिक्विड का वेट है तो डेंसिटी भी लिक्विड की, राइट ठीक। होल वेट देखें, होल वेट के अंदर वॉल्यूम बोलो होल का कितना है, ए इंटू एल वॉल्यूम है टोटल, ए इंटू एल डेंसिटी किसकी, बॉडी की इंटू जी, ए एल कैंसल, जी से जी कैंसल, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू 4:2। वेस्ट ओवर रेशियो शॉर्टकट मैंने बता ही दिया था कैसे डेंसिटी से और लेंथ कैसे डिपेंडेंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, कैसे लगाया आर्किमिडीज? ठीक ओके नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन ऑफ बॉडी, ध्यान आगे प्लीज, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन ऑफ बॉडी कि जैसे अगर मान लो ये एक कोई बॉडी है, वी इसका वॉल्यूम है, मान लो ये कुछ पोर्शन हवा में और कुछ पानी में ये फ्लोट कर रही है। अब कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन ऑफ बॉडी के अंदर अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर ये फ्लोट कर रही है तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा, इतना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ वी माइनस वी डैश, क्योंकि वेट लिक्विड का तो डेंसिटी भी लिक्विड की इनटू जी, तो ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। दिस मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, होल वेट में होल वॉल्यूम कितना है v, डेंसिटी कितनी है, किसका वेट है बॉडी का, तो डेंसिटी किसकी बॉडी की इनटू जी। तो यहां से जब मैंने इक्वेट किया, इक्वेट करके इसे ओपन किया, ओपन करके v वाली टर्म एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ और सॉल्व करके मैंने v डैश निकाल लिया, तो ये मेरे पास v डैश की वैल्यू आ गई। V डैश का मतलब है कि कितना पोर्शन इस बॉडी का हवा में है, कितना पोर्शन इस बॉडी का हवा में है, तो V डैश आ गया ठीक। अब स्पेशल केस देखो, अगर मान लो डेंसिटी लिक्विड की बॉडी से ज्यादा हुई, पानी की डेंसिटी बॉडी से ज्यादा है, वैसे मैंने को बता ही दिया तो बॉडी आराम से ऊपर फ्लोट करेगी, और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड की उतने आसानी से फ्लोट करेगी, हायर इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड हायर इज द अपथ्रस्ट। तो उस केस में डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर बॉडी से ज्यादा है तो ये टर्म इससे ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो दैट इज बॉडी विल फ्लोट विद इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड, राइट। तो बॉडी फ्लोट करेगी, इसका कुछ वॉल्यूम कहां रहेगा, बॉडी के जो है वॉटर के आउटसाइड, ठीक है बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि कुछ पोर्शन हवा में रहे तो उस केस में लिक्विड की डेंसिटी बॉडी से क्या होनी चाहिए ज्यादा। और केस नंबर टू, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम हो गई बॉडी से, ये कम हो गई तो ये टर्म क्या आएगी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब बॉडी सिंक कर जाएगी डूब जाएगी। और अगर दोनों की डेंसिटी क्या होगी बराबर, बराबर का मतलब बॉडी भी पानी की बनी हुई है, जहां रखोगे वहीं बैठ जाएगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, तो वी डैश क्या हो जाएगा जीरो। अगर यहां रखोगे यहीं रहेगी, यहां रखोगे तो भी यहीं रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे, कम से कम हवा में आके फ्लोट तो नहीं करेगी कम से कम। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसका मतलब तो ये बिल्कुल सही है कि अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो बॉडी बहुत आराम से फ्लोट करेगी, ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन है कि आप किसी भी बॉडी का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। कैसे, अगर मान लो ये एक बॉडी है जिसका वेट W1 है और मान लो ये फ्लोट नहीं कर रही, बस आपने इसको पानी में डाल दिया, लोहे का स्फीयर है पानी में गया, तो इसका वेट कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अपथ्रस्ट होगा। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा, v वॉल्यूम है तो v वॉल्यूम पानी का भी वॉल्यूम v डिस्प्लेस हो जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी आपने पानी में डाल दी, किसका वेट निकल रहा है लिक्विड का, तो डेंसिटी किसकी लिक्विड की इनटू जी।
तो ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आ गया। तो ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है, तो क्योंकि आर्किमिडीज का फ्लोटिंग प्रिंसिपल नहीं है कि बॉडी तैर रही है, आपने तो बॉडी को पानी में डाल दिया, दैट्स इट। तो हमने क्या किया था कि लॉस इन जो वेट होगा, लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस या अप थ्रस्ट, एक ही बात है। तो लॉस इन वेट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हमने निकाल लिया, या फिर बॉडी का वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड। अगर मुझे दोनों वेट्स पता है, पानी के बाहर पानी के अंदर, मुझे डेंसिटी पता है लिक्विड की, तो मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ बॉडी कैन बी कैलकुलेट, मैं निकाल सकता हूं। एक डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। तो ये क्या चीज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी है। हमने रिलेटिव डेंसिटी जो पढ़ी हुई है वो ये याद किया हुआ है, और ये याद करना है वैसे, तो ये आया कहां से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बॉडी की डेंसिटी को अगर वाटर की डेंसिटी से हम डिवाइड कर दें तो कौन सी डेंसिटी आ जाती है उसकी, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी इज बेसिकली रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, लिक्विड, वाटर होता है, लिक्विड नहीं होता, वाटर होता है। तो पानी की डेंसिटी के साथ कंपेयर किया जाता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे आया, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी का एक्चुअल मतलब ही होता है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में या किसी लिक्विड में डालते हो, मान लो वाटर में डाल दिया, उसका एक्चुअल वेट कितना था, W1। लिक्विड में या पानी में जाती है उसका वेट क्या हो जाएगा, कम, लॉस ऑफ वेट क्या हो जाएगा, W1 - W2, लॉस हो गया। तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, इसकी रेशियो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। अब मुझे एक बात बताओ कि जो लॉस इन वेट है, लॉस इन वेट ये एक्चुअल में क्या होता है, अपथ्रस्ट, हमने किया था अपथ्रस्ट है। तो जब मैं वेट, बॉडी का वेट एयर में निकालता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी किसकी, किसका वेट निकल रहा है, बॉडी का, तो डेंसिटी किसकी, बॉडी की, इनटू जी डिवाइडेड बाय अपथ्रस्ट। अब जो अपथ्रस्ट है उसमें किसकी डेंसिटी, वाटर की, क्योंकि अपथ्रस्ट में बॉडी की डेंसिटी नहीं आती, अपथ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो वही होगा जो बॉडी का वॉल्यूम है। अब अपथ्रस्ट में किसकी डेंसिटी लेनी होती है, हमेशा लिक्विड, और लिक्विड इसमें कौन है, वाटर, इनटू जी डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो वैसे सिर्फ समझाने के लिए है, लेकिन आपको ये पॉइंट टू रिमेंबर करना है, ये आपको याद होना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई डाउट इसमें, क्या करें इसका,
ओके चलो ठीक है। देखो इस रिलेटिव डेंसिटी को यूज कैसे करना है, रिलेटिव डेंसिटी को यूज कैसे करना है, जैसे मान लो किसी भी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी 4 है तो क्वेश्चन है फाइंड डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी SI में होती तो होती है 1000, CGS में क्या होती है 1, तो बॉडी की डेंसिटी इज 4 × 1000 4000। कोई डाउट इसमें? तो बॉडी की डेंसिटी आपके पास इस तरीके से आएगी, जैसे अगर आप CGS में पुट करते हो तो बॉडी की डेंसिटी 1000 की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो फिर बॉडी की डेंसिटी भी CGS में आ जाएगी 4। तो कैसे यूज करना है इस पॉइंट, समझ में आ रहा है सबको? जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक ट्यूब गिवन है और इस ट्यूब में लेफ्ट साइड पे स्पिरिट है, स्पिरिट 12.5 सेंटीमीटर स्पिरिट है, स्पिरिट हल्की होती है, यहां से यहां तक मरकरी है और ऊपर 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, पानी भारी होता है, इसीलिए बैलेंस करने के लिए पानी की लेंथ कम है और स्पिरिट की लेंथ ज्यादा है, ये गिवन है। मरकरी इज इन लेवल, मरकरी का लेवल दोनों तरफ से सेम है, आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन है 13.6, तो मरकरी की डेंसिटी क्या हो जाएगी 13.6 इंटू वाटर की डेंसिटी जो कि 1 होती है, तो आंसर 13.6 ही आएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बतानी है। अब एक चीज ध्यान से देख लो कि इस टाइप की प्रॉब्लम जो होती है जिसमें ट्यूब में लिक्विड है और लिक्विड हिल नहीं रहा, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, वो इसलिए इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इस लिक्विड ने जितना भी प्रेशर यहां लगाया, इस लिक्विड ने जितना भी प्रेशर यहां पे लगाया वो एग्जैक्टली सेम, तभी तो प्रेशर का डिफरेंस नहीं, अगर प्रेशर का डिफरेंस होगा फिर लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम यहां पे प्रेशर निकालते हैं, तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, एच रो जी फॉर स्पिरिट दैट इज 12.5 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी, एच रो जी फॉर स्पिरिट, ये सब क्लियर है, प्लस यहां का प्रेशर क्या होगा, यहां का तो आ गया एच रो जी, यहां के लिए एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, यहां के लिए एच रो जी स्पिरिट के लिए, यहां पर एच रो जी मरकरी के लिए, इज इक्वल टू राइट साइड पे, यहां पे एच रो जी फॉर मरकरी अगेन प्लस एच रो जी फॉर वाटर, और वाटर की हाइट क्या है 10, तो डेंसिटी किसकी वाटर की। क्या ये स्टेप क्लियर है, लेफ्ट और राइट का प्रेशर बराबर कर दिया, ये टर्म तो कैंसिल ही होनी थी बिकॉज ये वाला प्रेशर तो बराबर ही आने वाला है, तो आपको 12.5 डेंसिटी ऑफ जो लेंथ गिवन है स्पिरिट की डेंसिटी और 10 इंटू वाटर की डेंसिटी, अब आपको रिलेटिव डेंसिटी स्पिरिट की निकालनी है, तो स्पिरिट की रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0.8, और यही क्या होगी इसकी रिलेटिव डेंसिटी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? और क्योंकि स्पिरिट की रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट क्या होगी 0.8 इंटू वाटर की डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी CGS में 1 है, तो रिलेटिव जो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट है CGS में 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? ये जो सिचुएशन है आपको गिवन है, ठीक, ये सिचुएशन गिवन है आपको। अब आपने इसमें क्या किया कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये कर दी कि आपने इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में स्पिरिट कितनी थी 15 सेंटीमीटर स्पिरिट थी ना, उस नहीं कितनी 12.5 सेंटीमीटर स्पिरिट थी,
15 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट और इसमें डाल दी। अब टोटल लेंथ कितनी होगी, 12.5 प्लस 15, 27.5। एंड लिखो यहां पर इसको, एच जी को काट के 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, यहां लिखो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मरकरी की जगह 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर लिखो, करेक्शन करो। तो ये बताओ वाटर पिछले क्वेश्चन में कितनी हाइट पर था, 10, 5 आपने और ऐड कर दिया तो कितना हो गया 15। तो उससे क्या हुआ कि ये डिस्टर्ब हो गया और मरकरी जो कि इन लेवल थी अब वो इन लेवल नहीं रही, यहां पर मरकरी का लेवल ज्यादा हो गया और यहां पर मरकरी का लेवल कम हो गया। आपको बताना है दोनों लेवल में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन समझ में आ गया, रूल वही रहेगा, जो सुन लो रूल वही है कि अभी भी ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में मूव तो कर नहीं रहा, रेस्ट पे है, यहां के पॉइंट का प्रेशर और यहां के पॉइंट का प्रेशर विल बी सेम। यहां प्रेशर क्या निकलेगा, एच रो जी फॉर स्पिरिट प्लस एच रो जी फॉर मरकरी, यहां के लिए क्या लगेगा, एच रो जी फॉर मरकरी प्लस एच रो जी फॉर वॉटर, लगा के देखें। तो देखो 27.5 एच इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी, यहां का एच वन इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, यहां के लिए एच टू इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, और यहां के लिए 15 इंटू डेंसिटी ऑफ वॉटर इंटू जी, इक्वेट कर दिया ठीक, एच रो जी हर लिक्विड का। तो यहां से ये जो स्पिरिट की डेंसिटी ऊपर हमने निकाली 0.8, मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6, मरकरी की डेंसिटी 13.6, वाटर की डेंसिटी 1, इसे सॉल्व करके H2 माइनस H1 की वैल्यू क्या आएगी 0.22। तो H2 माइनस H1 की वैल्यू क्या आएगी 0.22, दिस इज द आंसर। मेथड समझ में आ रहा है ट्यूब के क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है यहां तक। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ मिल्क डाइल्यूटेड विद वाटर, किसी ने मिल्क में पानी डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो इस दूध वाले की कहानी है जो थोड़ा इसमें गलत तरीके से पैसे कमाता है। तो सैंपल ऑफ मिल्क डाइल्यूटेड विद वाटर हैज अ डेंसिटी ऑफ 1032, वैसे पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000, इसकी थोड़ी ज्यादा है, इसमें मिल्क भी तो है। प्योर मिल्क अगर होता तो डेंसिटी और भी ज्यादा होती, थिक होता 1080। तो बताओ परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम इन मिल्क, कितने परसेंटेज उसने पानी डाला मिल्क के अंदर, ये बताओ। तो मुझे पता है कि जो मिक्सचर की डेंसिटी होती है ना, मिक्सचर की डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। अब मान लेते हैं कैपिटल वी वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, जिसमें मिल्क और वाटर दोनों है वो हमने कंसिडर कर लिया, जिसमें से वाटर का वॉल्यूम छोटा वी है, बचा हुआ वॉल्यूम वी माइनस वी किसका है, प्योर मिल्क है। तो मिक्सचर की डेंसिटी इज टोटल मास ऑफ मिल्क एंड मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ मिल्क कितना है, मिल्क का वॉल्यूम कितना है, v माइनस v, डेंसिटी मिल्क की 1080। मास ऑफ वाटर में वॉल्यूम वाटर का कितना है, स्मॉल v, डेंसिटी वाटर की 1000। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करके स्मॉल v बाय कैपिटल v की आएगी वैल्यू आ जाएगी 60%। तो इतने परसेंट वो पानी मिलाता है, तो फिर कैंसिल करो दूध वाले को, नहीं लेंगे ठीक, इतना पानी मिलाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो 60% है, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। सिंपल फॉर्मूला डेंसिटी का यूज किया जैसे कि आंसर आया। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो प्लीज,
ओके देख लिया क्वेश्चन। वो कह रहा है कि एक पीस ऑफ कॉर्क एंड मेटल, दो 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 चीज़ें हैं और इसकी डेंसिटी 250 गिवन है, लिख लो इक्वल टू 250। यहाँ पे कॉर्क की डेंसिटी 250 गिवन है, एक मेटल के साथ बांध दिया, मेटल की डेंसिटी हमें पता है एंड मास 0.024 केजी, मेटल का मास भी हमें पता है। तो मेटल का मास पता है, डेंसिटी पता है, तो सोचो फिर वॉल्यूम भी वी डैश हमें पता है, दैट इज मास बाय डेंसिटी, तीनों चीजें पता है इसकी। तो इसकी डेंसिटी पता है, वॉल्यूम नहीं पता और मास नहीं पता, ऑब्वियसली मास नहीं आएगा बिकॉज वॉल्यूम नहीं है मेरे पास। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो है जस्ट फ्लोट्स इन वाटर, जस्ट फ्लोट का मतलब बिल्कुल पानी की सरफेस के साथ, ऐसा कोई पोर्शन बाहर नहीं है, बस तैर रहे पानी की सरफेस के साथ साथ। तो अगर इसका वॉल्यूम वी, इसका वी डैश है, तो अगर ये तैर रहे तो फ्लोटेशन प्रिंसिपल लगेंगे, और फ्लोटेशन के प्रिंसिपल क्या कहते हैं, टोटल वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, और होल वेट में क्या होगा, इसका वेट प्लस इसका वेट, एम जी प्लस एम डैश जी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं इसमें, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकाल लेंगे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बोलो कितना है, जितना दोनों का वॉल्यूम है v प्लस v डैश, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हो गया। तो वेट ऑफ लिक्विड में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दोनों का v प्लस v डैश, क्योंकि किसका वेट निकल रहा है, लिक्विड का, तो डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, लिक्विड में कौन है, वाटर, तो वाटर की डेंसिटी 1000 * g, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, होल वेट में मास की वैल्यू मुझे इसकी कॉर्क की v * 250 पता है, और m डैश तो मुझे पता ही है यहां से 0.024। तो अब मेरे को v नहीं पता, अब या v डैश नहीं पता, अब v डैश भी रादर पता है, सॉरी v डैश की वैल्यू 0.024 डिवाइडेड बाय 8 * 10 की पावर 3, ये मैंने पुट कर लिया, सॉल्व करके मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, v निकाल दिया। अगर वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम * डेंसिटी * 250 करके क्या आ जाएगा, इसका मास भी आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन तो वही है लेकिन पूछने के तरीके डिफरेंट है, फॉर्मूला एक ही है, दैट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट देखो जरा एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा खुद से, लोगों को समझ में आ गया ये? देखो सिंपल क्वेश्चन है, पीस ऑफ आयरन वेज 9400 ग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स का मतलब होता है अगर आप इसको 980 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगी डाइंस, इसका वेट गिवन है, आयरन का वेट गिवन है, किसमें, एयर में नहीं गिवन, वाटर में गिवन है, इसका अपेरेंट वेट गिवन है, असली वेट नहीं गिवन इसका। गिवन डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8, तो 7.8 डेंसिटी ऑफ आयरन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ आयरन, तो मान लेते हैं m is mass of iron। अब क्योंकि ये आयरन तैरेगा नहीं,
तो फ्लोटेशन प्रिंसिपल नहीं लगेंगे। हाँ ये तो लगा सकते हैं कि जब आयरन को पानी में डाला गया तो देर इज लॉस इन वेट, और आर्किमिडीज का पहला प्रिंसिपल यही था कि लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, हम कौन सा कह रहे हैं कि वो तैरेगा, राइट। तो डब्ल्यू वन का मतलब एयर में वेट, एयर में वेट क्या होगा, मास ऑफ आयरन इंटू 980, असली वेट आ गया, एपरेंट वेट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, अब इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड में वॉल्यूम किसका आएगा, वाटर का, वाटर का और आयरन का वॉल्यूम तो सेम ही है, पूरे का पूरा आयरन तो अपने पानी में डाल दिया तो वॉल्यूम तो सेम डिस्प्लेस होगा। अब क्योंकि किसका वेट निकल रहा है, वाटर का, तो डेंसिटी किसकी, वाटर की इनटू जी, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि वेट किसका निकल रहा है, वाटर का, तो डेंसिटी किसकी, वाटर की। क्या ये स्टेप क्लियर है? अब वॉल्यूम वाटर का कितना होगा, जितना आयरन का वॉल्यूम है, आयरन का वॉल्यूम कितना है, मास बाय डेंसिटी। तो इस वैल्यू को सॉल्व करके एम आ जाएगा, मास ऑफ आयरन आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें।